नमस्कार, आप देख रहे भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नगर निगम की नाकामी की वजह से एक मासूम बच्ची की जान पर आ पड़ी है। भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक इतना अधिक बढ़ गया है कि अब छोटे बच्चों का वहां रहना मुश्किल हो गया है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला भोपाल की अंजलि बिहार फेस वन कॉलोनी में, जहाँ पर 4 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला बोल दिया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मामला बाग सेवनिया थाना इलाके के अंजलि विहार फेस वन कॉलोनी का है। दरअसल बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी उस पर 5 आवारा कुत्तों ने हमला बोल दिया। वहीं यह पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। आवारा कुत्तों ने बच्ची का चेहरा बुरी तरह जख्मी कर दिया है। उसके पेट, कमर और कंधे पर भी घाव हो गए हैं। कुत्तों ने उसका सिर, कान और हाथ नोच डाले हैं। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। अब इस घटना के बाद बच्ची के साथ हुई घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अंजलि विहार फेस वन कवर्ड कैंपस है। आपको बता दें कि एक निर्माणाधीन मकान में बच्ची के पिता मजदूरी करते हैं। हर शाम की तरह बच्ची भी उस शाम वहाँ खेल रही थी, तभी कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला बोल दिया। ऐसा नहीं है कि बच्ची ने अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं की। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बच्ची वहां से भाग रही है। बच्ची आगे है और कुत्ते पीछे हैं, लेकिन कुत्ते बच्ची को चारों ओर से घेर लेते हैं और उस पे हमला बोल देते हैं। वो तो गनीमत है कि एक रहवासी वहां दौड़ कर आया और कुत्तों को पत्थर मारने लगा। जरा सोचिए, अगर वो व्यक्ति उस समय पर वहां नहीं पहुंचता तो उस बच्ची का क्या होता। हालांकि उसके आने में देर हो गई और बच्ची को कुत्तों ने जगह जगह से नोच लिया था। बच्ची के चेहरे और कान से खून गिर रहे थे। गंभीर अवस्था में बच्ची को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्ची को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। लेकिन यहां हम नगर निगम की नाकामी से मुंह नहीं फेर सकते हैं। अगर इस वीडियो में हम गौर करें कि वो व्यक्ति अगर सही समय पर नहीं आता, अनर्थ हो जाता। इससे हम और आप अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन नगर निगम को यहां सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। अरे, आवारा कुत्तों को यहां से हटाना चाहिए। बहरहाल इसमें इतना ही। अगली खबर के लिए देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।